हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको और भी एक नया रिक्रूटमेंट के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों देखिए, आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये है असम टी एम्प्लॉयज़ वेलफेयर बोर्ड का रिक्रूटमेंट है। इसमें दोस्तों कितना पोस्ट है, कितना वैकेंसी है और क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एक्सपीरियंस क्या चाहिए, सभी की डिटेल्स हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं दोस्तों। तो आप दोस्तों इस वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक पूरा देखिए ताकि आपको इसके बारे में पूरा नॉलेज आ जाए और आपको अप्लाई करने में ईजी हो। तो दोस्तों पहले हम बता देते हैं कि इसका जो ये जो रिक्रूटमेंट है तो इसका अप्लाई का प्रोसेस जो क्या है, अप्लाई कोई ऑनलाइन भी नहीं होगा, ऑफलाइन भी नहीं होगा, टोटली वर्किंग इंटरव्यू है। ऐसे कि जैसे वर्किंग इंटरव्यू मतलब जिस दिन में उसका इंटरव्यू है उसी दिन वो आपको उसी टाइम के अंदर यहाँ पर जाना होगा और जाके इंटरव्यू देना होगा, वही है वर्किंग इंटरव्यू। इसका ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे अप्लाई करने का कोई प्रोसेस नहीं है या इसमें कोई सिस्टम भी नहीं है। तो दोस्तों इसमें देखिए पहले बता देते हैं कि इसका जो पोस्ट है वो पोस्ट क्या है। पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है और इसमें क्वालिफिकेशन देखिए, क्वालिफिकेशन जो मांगा है वो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट फ्रॉम एनी स्ट्रीम हैविंग कंप्यूटर स्किल। आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए और किसी भी स्ट्रीम से होने से भी होगा, जैसे कि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, तीन स्ट्रीम में से किसी स्ट्रीम से भी हो आप सभी चलेगा। इसमें ग्रेजुएशन सिर्फ चाहिए एंड कंप्यूटर स्किल में हैवी मिनिमम कंप्यूटर स्किल, जैसे कि आपको बेसिक होने से भी इसमें हो जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अप्लाई मतलब आपको इंटरव्यू देने के लिए आप जा सकते हैं। और मिनिमम 18 ईयर्स से आपको 40 ईयर्स तक आपके एज दिया गया है। अगर आपको 18 ईयर्स है तो अभी आप इसमें अप्लाई यानी कि इंटरव्यू दे सकते हो और 40 ईयर्स अगर आपके हैं तभी आप इसमें इंटरव्यू दे सकते हो। अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो देखिए दोस्तों इसमें एक्सपीरियंस प्रेफरेंस विल बी गिवन दोज हैविंग वर्किंग एक्सपीरियंस इन फील्ड। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसमें आपको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तभी आप इसमें इंटरव्यू दे सकते हो। इसमें कोई ऐसा मना नहीं किया है कि आपका पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसमें इंटरव्यू नहीं दे सकते हो, आप भी इंटरव्यू इसमें दे सकते हो। देखिए नेक्स्ट इसके मंथली फिक्स रेम्यूनेशन रहेगा वो है सिर्फ 10,000 दिया जाएगा और इसमें सब कुछ इंक्लूसिव 10,000 दिया जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट देखिए, वैकेंसी कितना वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी दोस्तों इसमें 5 वैकेंसी है, इसमें से 4 वैकेंसी हेड ऑफिस के लिए है, हेड ऑफिस में है एंड एक वैकेंसी तेजपुर में है। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैं आपके सामने पूरा दिखा दे रहा हूँ। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है 4 वैकेंसी हेड ऑफिस एंड 1 वैकेंसी तेजपुर में है। डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू देखिए, फ्रॉम 11 AM टू 4 PM ऑन 25 November 2022। यानी कि दोस्तों 25 नवंबर को इसका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू का डेट है, और 11 AM से 4 PM तक उसका इंटरव्यू होगा, उसी दिन आपको वहाँ पे जाके इंटरव्यू देना है दोस्तों। दोस्तों इसमें इसका जो इंटरव्यू का प्लेस ऑफ इंटरव्यू देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। प्लेस ऑफ इंटरव्यू ऑफिस ऑफ द वेलफेयर कमिश्नर असम टी एम्प्लॉयज वेलफेयर बोर्ड गणेशगुड़ी अमृतपुर पार्ट गुवाहाटी 6। इसी एड्रेस में आपको जाना होगा, जाके आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। टाइम देखिए, डेट 25 नवंबर 2022 एंड इंटरव्यू प्लेस वो ये है और टाइम देखिए 11 AM टू 4 PM। तो आपको समझ में आ गया होगा इसके डेट टाइम एंड प्लेस के बारे में, तो आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना पड़ेगा आपको, ओरिजिनल एज प्रूफ सर्टिफिकेट ओनली HSLC CBSE एडमिट कार्ड। आपका एज प्रूफ सर्टिफिकेट जैसे कि HSLC या फिर CBSE बोर्ड से हो आप तो आपका एडमिट कार्ड मस्ट है, एडमिट कार्ड देना पड़ेगा। और अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी है तो वो भी लेके जाइए। ग्रेजुएट सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आप ग्रेजुएशन हो तो आपको ग्रेजुएशन तो होना ही पड़ेगा और इससे ऊपर आप कुछ आपका है तो भी उसका सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा। प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर स्किल फॉर 3 मंथ कोर्स ऑफ फॉर जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट के लिए मिनिमम 3 मंथ्स का कोर्स यहाँ पे आपको रहना पड़ेगा, अगर आपके पास उससे ऊपर भी है तो चलेगा। 3 कॉपी रिसेंट सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो आपको 3 कॉपीज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना पड़ेगा, वो सेल्फ अटेस्ट करके देना पड़ेगा। परमानेंट टेम्पोरी एड्रेस प्रूफ, अगर आप परमानेंट हो या फिर टेम्पोरी हो तो किसी भी जैसे भी हो उसका एड्रेस प्रूफ आपको होना चाहिए। मोबाइल नंबर विद व्हाट्सएप फैसिलिटीज, आपको व्हाट्सएप नंबर देना पड़ेगा। ईमेल आईडी इफ एनी, कोई भी एक ईमेल आईडी आपको देना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड देखिए, ऑल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बोथ इन ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। तो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बोला गया है वो आपको ओरिजिनल एंड जेरोक्स दोनों लेके जाना पड़ेगा।
और द एप्लीकेंट मस्ट रीच द वेन्यू ऑफ 10 AM ऑफ एनरोलमेंट ऑफ देयर नेम्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपको 10 बजे जाना पड़ेगा, जाके आपको एनरोल करना पड़ेगा। नो टी ए डी ए शेल बी एडमिशेबल फॉर द इंटरव्यू। आपके इंटरव्यू के जाने के लिए कोई खर्चा जो होगा वो नहीं दिया जाएगा। द कमिटी रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट एनी ऑल एप्लीकेशन विदाउट साइनिंग एंड रीजन देयर ऑफ। तो जो कमिटी है वो किसी भी आपको रिजेक्ट कर सकता है, इसके लिए कोई दायी नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड वीडियो को शेयर करना। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऊपर का बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसा ही नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आपके पास कंटिन्यूअसली पहुंचता रहे। थैंक यू।